हेलो फ्रेंड्स, मैं भूपेंद्र एक बार फिर से आप सभी का वेलकम करता हूं टेक एंड ट्रेवल भी। तो आज मैं आप लोगों की रिक्वेस्ट पर यह वीडियो बनाने जा रहा हूं। इस वीडियो में मैं आपको हैवी रेन में 1 किलोवाट का मोनो क्रिस्टलाइन सोलर पैनल कैसे काम करता है, तो आज मैं इसके बारे में आपको बताऊँगा। तो इसमें मैं आपको बताऊँगा कि इसमें यह पैनल कितना वोल्टेज और कितना एम्पियर और साथ ही साथ कितने एम्पियर से ये बैटरी को चार्ज करते हैं UTL गामा प्लस में, जो कि एक RMPPT टेक्नोलॉजी पर बेस्ड सोलर इन्वर्टर है। तो आज मैं आपको इसकी सारी टेस्टिंग दिखाने वाला हूँ हैवी रेन में। चल रहा है मॉनसून आया हुआ है, अब हैवी रेन चल रही है। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिस एरिया में बहुत ज्यादा बारिश होती है और जहाँ पर लाइट काफी कम आती है, उनके लिए मोनो क्रिस्टलाइन सोलर पैनल काफी बेटर रहते हैं। अब ये मेरा जो 1 किलोवाट का सिस्टम है, एक्चुअली यह सिस्टम है 1085 वाट का। 1085 वाट का यह सिस्टम है, जो कि 1 किलोवाट से थोड़ा सा ज्यादा है। तो यह 1085 वाट का सिस्टम हैवी रेन में भी ठीक ठाक एम्पियर और वोल्टेज जनरेट करके देता है। इस वीडियो को फ्रेंड्स एंड तक देखिए, क्योंकि इसमें आपको हैवी रेन में मोनो क्रिस्टलाइन सोलर पैनल कैसा वर्क करते हैं ये सारी चीजें आपको पता लग जाएंगी। और मेरे पास सोलर पैनल है, एक लूम सोलर का 375 वाट का मोनो क्रिस्टलाइन सोलर पैनल है और एक ल्यूमिनस का 370 वाट का मोनो क्रिस्टलाइन सोलर पैनल है और लूम सोलर का ही 340 वाट का एक मोनो क्रिस्टलाइन सोलर पैनल है। तो मेरे पास ये 3 सोलर पैनल है। अगर इनकी हम टोटल वाटेज कैलकुलेट करेंगे तो ये 1085 वाट का टोटल सोलर पैनल है। तो इनसे कितनी एम्पियर और कितनी वोल्टेज जनरेट होती है हैवी रेन में, ये आज मैं आपको बताऊंगा। तो बने रहिए इस वीडियो के साथ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। जहां पर हैवी रेन होती है तो उनको यह पता लग जाएगा कि मोनो क्रिस्टलाइन सोलर पैनल लगवाने चाहिए या नहीं लगवाने चाहिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये जोरों शोरों से बारिश हो रही है, आपको आवाज से ही पता लग रहा होगा कि चारों तरफ बारिश ही बारिश है। यहां पर मैं मोनो क्रिस्टलाइन सोलर पैनल की टेस्टिंग करूंगा। तो यहां पर मेरे पास 1 किलोवाट का सिस्टम है, जो कि मेरे तीनों पैनल मोनो क्रिस्टलाइन हैं। 2 पैनल लूम सोलर के हैं, 1 पैनल ल्यूमिनस का है। आपको छत पर भी मैं दिखाता हूँ कि कैसा मौसम है। देखिए, यह 3 पैनल हैं मेरे पास और चारों तरफ पानी ही पानी है, बारिश बहुत तेज़ हो रही है फुल स्पीड में बिल्कुल। और मैं इस वीडियो को एडिट नहीं करूँगा, तो डायरेक्ट हम चलते हैं UTL गामा प्लस में कि कितना एम्पियर और कितना वोल्टेज यह जनरेट करके दे रहे हैं सोलर पैनल, और साथ ही साथ हम इसकी वोल्टेज भी कैलकुलेट करेंगे कि ऐसे मौसम में जहां पर बिजली बिल्कुल भी नहीं आती है गांव में, तो 1 किलोवाट का सिस्टम वहां पर वर्क करेगा। यदि बारिश ज़्यादा होती है तो इससे पंखा चल पाएगा या ट्यूबलाइट या LED वगैरह जल पाएंगी या नहीं। तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखते रहिए। अब यहाँ पर मैं UTL गामा प्लस में देखता हूँ कि यहाँ पर कितने एम्पियर और कितना वोल्टेज आ रहे हैं। यहाँ पर 35, यहाँ पर जो एम्पियर हैं 2.7 के आसपास एम्पियर हैं। इसको हम थोड़ी देर मॉनिटर करते हैं, यहाँ पर 2.9 हो गए एम्पियर, 3 एम्पियर तक भी जा रहा है जनरेट करके, और ये सोलर पैनल से एम्पियर आ रहे हैं। और इस इन्वर्टर पर मैंने अभी लोड बिल्कुल भी नहीं डाला हुआ है, मतलब इसमें 0% लोड है अभी। तो इसमें हम देखते हैं कि बैटरी ये कितने एम्पियर से चार्ज करेगा। अभी हम इसके वोल्टेज देखते हैं कि 37.1 वोल्टेज हो गया। तो अगर हम इसके वोल्टेज कैलकुलेट करेंगे तो कितने वोल्टेज कैलकुलेट होकर आएंगे, तो अभी मैं आपको थोड़ी देर में बताऊँगा। सबसे पहले हम इसके वोल्टेज को मॉनिटर करते हैं, यहाँ पर 34.8 हो गया, 0% लोड है। और देखिए यहाँ पर बैटरी चार्ज हो रही है, 6 एम्पियर से बैटरी चार्ज हो रही है। तो यही RMPPT टेक्नोलॉजी है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लगभग 6 एम्पियर से बैटरी चार्ज हो रही है। तो हम कह सकते हैं कि अगर आप लोड नहीं चलाएंगे, जहाँ पर जिस एरिया में बारिश ज़्यादा होती है, तो उनकी बैटरी भी चार्ज होगी, लेकिन काफ़ी स्लो स्पीड से बैटरी चार्ज होगी उनकी। और यहाँ पर ग्रिड चार्जिंग ऑफ है और साथ ही साथ मेंस नहीं आ रही है, तो सारा जो सब है इन्वर्टर से ही चल रहा है, क्योंकि ये ग्रीन लाइट है। तो फ्रेंड्स, अगर हम इसके वोल्टेज कैलकुलेट करेंगे तो टोटल इसके वोल्टेज आएंगे, अगर हम
37.1 वोल्ट को मल्टीप्लाई करेंगे 2.9 से तो इसका टोटल वोल्टेज निकल के आएगा 107.59 वाट। तो इसमें आपके एक 80 वाट का फैन फुल स्पीड में चल जाएगा और दो 10 वाट की एलईडी जल जाएंगी और एक 5 वाट का एलईडी जल जाएगी। तो ये सारे अपरेटर्स आप चला सकते हैं 107 वाट के अकॉर्डिंग। और यहाँ पर रेंज तो आपने देख ली होगी, अभी भी आपको आवाज़ आ रही होगी कि कितनी ज़्यादा तेज़ बारिश हो रही है। तो फ्रेंड्स, यह रिजल्ट रहा 1 किलोवाट सिस्टम का। फ्रेंड्स, इन पैनल की और जानकारी के लिए मेरे पिछले वीडियो देख लीजिए, मैंने बहुत ही यूज़फुल वीडियो बनाए हैं इन पैनल पर बेस्ड। और फ्रेंड्स, यदि मेरे द्वारा दी इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और चैनल के बारे में, इस वीडियो के बारे में अपनी राय आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।